गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल. आई एम सिमन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दैट आई एम नॉट अ फैन ऑफ सल्फेट फ्री शैम्पू, बिकॉज इनिशियली जब मैंने सल्फेट फ्री शैम्पू ट्राई किए थे तो मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था. रीज़न बींग कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो अच्छे से फोम और लेदर नहीं होते थे, जिसकी वजह से आई एंड अप यूजिंग मोर शैम्पू विच वर इवेंचुअली लीडिंग टू मी हैविंग माई हेयर मोर ड्रायर देन बिफोर. सो इस वजह से आई वॉज नॉट अ फैन. एंड मैंने एक वीडियो बनाई थी, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, आप चेकआउट कर सकते हैं. एंड देन आप में से किसी ने मुझे रिकमेंड किया था डिटॉक्सी शैम्पू, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू दैट पर्सन जिसने मुझे रिकमेंड किया, बिकॉज आई रियली लव दिस शैम्पू. द गुड थिंग दैट आई लव अबाउट दिस शैम्पू इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर माइल्ड सर्फेक्टेंट्स यूज़ किए हैं, माइल्ड क्लींजिंग एजेंट यूज़ किए हैं. एंड माइल्ड क्लींजिंग एजेंट यूज़ करने के बाद भी जो उसका जो लेदर आता है शैम्पू का और जो फोम आता है वो अच्छा आता है, जिसकी वजह से देर इज़ नेवर अ चांस कि आप कभी ज़्यादा शैम्पू यूज़ करोगे ये सोच के कि पता नहीं बाल साफ़ हुए हैं या नहीं हुए हैं. सो दिस इज़ अ गुड थिंग अबाउट दिस शैम्पू. एंड देन द सेकेंड गुड थिंग अबाउट दिस शैम्पू इज इट्स इंग्रीडियंट. जो उसमें इंग्रीडियंट यूज़ किए हैं दे आर रियली ऑसम. तो फर्स्ट जो इंग्रीडियंट्स में है वो है रिडेंसाइल. रिडेंसाइल एक न्यू जनरेशन हेयर केयर इंग्रीडियंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्टिमुलेट द हेयर फॉलिकल, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ में हेल्प होती है, प्लस हेयर फॉल भी कम होता है. एंड प्लस जो लेडीज़ होती हैं जिनको एलोपेशिया की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि बाल पतले यहाँ से होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है. प्लस अभी जो स्टडीज़ भी हुई हैं उसमें पता चला है कि रिडेंसिल इज़ मच बेटर देन हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट एंड इज़ मच बेटर देन मिनीऑक्सिडिल. मिनीऑक्सिडिल एक ऐसा इंग्रीडियंट है जो जनरली डर्मेटोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं जब कोई भी बाल्डनेस का इशू आप फेस करते हैं. सो दिस इज़ अ गुड थिंग अबाउट रिडेंसिल, एंड दिस प्रोडक्ट हैज़ रिडेंसिल. इट हैज़ हाइड्रोलाइज्ड सोया प्रोटीन जो कि बालों की कैपेसिटी को बढ़ाता है टू होल्ड मोर मॉइस्चर, एंड बालों में स्मूथनेस एंड शाइन लाता है. एंड इट हैज़ हाइड्रोलाइज्ड केराटिन. केराटिन क्या करता है, ये ऐसा प्रोटीन होता है जिसके अंदर एबिलिटी होती है हेयर क्यूटिकल को पास करने की, एंड प्रोटीन अंदर जाता है स्कैल्प में एंड बालों को स्ट्रेंथन करता है. ये वो वाला प्रोटीन नहीं है जो सिर्फ बालों के ऊपर बैठता है, ये अंदर जाने वाला प्रोटीन है. एंड देन इसके अंदर उन्होंने कुछ मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं, जैसे कि ये लैरिक्स यूरोपिया एक्सट्रैक्ट, दे हैव एडेड आर्गन ऑयल, दे हैव एडेड ग्लाइसिन, एंड देन दे हैव एडेड एप्पल साइडर एक्सट्रैक्ट जो कि इची अपनी जो डैंड्रफ होता है, जो इची स्कैल्प होती है, ड्राई स्कैल्प होती है, उसमें हेल्प करता है. देन इट हैज़ ग्रीन टी जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है. एंड देन दे हैव एडेड अनियन पील ऑयल जो कि बालों की हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है, जो बाल झड़ते हैं उनको थोड़ा सा रोकता है. एंड देन दे हैव एडेड लेमन ऑयल विच आई डू नॉट लाइक इट पर्सनली. नाउ हाउ आई एक्चुअली यूज दिस शैम्पू, आई मसाज दिस शैम्पू इनटू माय हेयर फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स, ताकि जितने भी अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारी स्कैल्प में चले जाएँ, हमें उनका थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए. एंड देन आई रिंस इट ऑफ. And now let's check its pH. Is it pH balance or not? So you can see the pH. So overall, I love this product and I would recommend to each and everyone. And also, I love the fact that it has good ingredients. It also leathers fairly. So this is a good shampoo for me. Yeah, that's it. I hope you enjoy this video. And don't forget to click like and subscribe to watch more such videos. Okay, bye.